The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, आज की बातचीत allergies. Allergies ज़्यादातर आपके summer में ज़्यादा लोगों को हो जाती है, समर में, विंटर में भी होती है, लेकिन समर में ज़्यादा हो जाती है. तो आज हम बातचीत करेंगे एलर्जी टेस्टिंग, एलर्जी का डायग्नोसिस कैसे होता है. जब एलर्जेंस ज़्यादा होते हैं, समर है, ड्राई एयर में एलर्जेंस ज़्यादा घूमते हैं, विंटर में फ्लू ज़्यादा होता है, वायरसेस ज़्यादा होते हैं, वायरल, और समर में एलर्जीज. सो समर में ग्रास, मोल्ड्स, पोलन ग्रेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कभी आँखों में एलर्जी, वाटरी आइज, कभी छई खाना, आछू, ऐसी चीज़ें होती है. आउटडोर पिकनिक पे जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कभी कभी कोई डेंजरस एलर्जीज भी हो सकती है, जैसे किसी कभी किसी ने मच्छर ने और मच्छर किसी ने बी ने काट दिया, मधुमक्खी ने काट दिया, वो भी एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती है. कोई उल्टा सीधा खाना खा लिया, उससे भी एलर्जी, कोई पौधे से छू गए, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. सो मैनी थिंग्स कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन. सो एलर्जी डायग्नोस करना ज़रूरी है, राइट. और डिस्कवर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि यार ये एलर्जी लग रही है, बट देन एलर्जी किसको टेस्ट करना है, किसको नहीं, कौन से ट्रिगर हैं, राइट, वो जानना ज़रूरी है. टेस्ट इसी से होते हैं कि आपके ट्रिगर पहचाने जा सके, आपका टेंडेंसी पहचानी जा सके, आपके अंदर एलर्जी के कितनी वो है वो भी जाना जा सके कि भाई हाँ एलर्जी होगी कि नहीं होगी, राइट. यू कैन नो एग्जैक्टली वंस, एक बार आपको पता चल जाएगा किस किस चीज़ से एलर्जी है, तभी आप उन चीज़ों से बच पाओगे. सो एलर्जी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, बट देन इट्स नॉट 100% श्योर टेस्ट, याद रखिए. सो क्या आपको टेस्ट कराना चाहिए? जो लोगों को एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं समझते या ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपको रेगुलरली होता रहता है कि आपको इचीनेस होती, खुजली होती रहती है नाक में, आँख में, गले में, नेजल कंजेशन, रनिंग नोज, वाटरी आइज, कभी शरीर पे कोई घाव, कोई रैश हो जाता है, खुजली होती है, इचिंग होती है, या कोई भी स्किन कंडीशन होती रहती है, पेट में दर्द, डायरिया आ गया, पेट की भी एलर्जी होती है, उसमें गड़बड़ी हो रही है, बार बार रिएक्शन आ रहा है, कोई मच्छर ने काट दिया तो नॉर्मल से ज़्यादा ही रिएक्शन, तब आपको टेस्ट कराने चाहिए. सो किसको करना, क्लियर? कौन सा टेस्ट? टेस्ट के भी टाइप्स हैं, बहुत ही सारे टेस्ट हैं एलर्जी के. जी हाँ, स्किन टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, इंट्राडर्मल टेस्ट भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो क्या है ये? देखिए, एलर्जी टेस्ट जो है बहुत ही सेफ होते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि उससे आपको एलर्जी हो जाएगी. इसमें क्या होता है कि आपको कई सारे कॉमन जो ट्रिगर्स हैं, जैसे डस्ट, माइट, एनिमल, डेंगर, मोल, पोलन ग्रेन्स, मोल्ड्स, कॉकरोच के ड्रॉपिंग्स, स्टिंग, इंसेक्ट के स्टिंग्स, फूड, लेटेक्स, ड्रग्स, मेडिसिन, इन सब से एलर्जीज हो सकती है. तो इनमें से किससे एलर्जी है पता करने के लिए एक होता है स्किन टेस्ट. मोस्ट कॉमन यही टेस्ट किया जाता है. इसमें क्या जाता है, जो भी एलर्जन है उसका एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, उसको चमड़ी के ऊपर रख दिया जाता है, और इस एरिया को या तो प्रिक कर दिया जाता है या स्क्रैच कर दिया जाता है. अब फिर क्या होता है, जैसी ये एलर्जिक रिएक्शन वहाँ वो कॉन्टैक्ट में रहता है, तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर एलर्जिक रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं, अगर आपको उस चीज़ से एलर्जी है. तो ये स्किन टेस्ट है, इससे छोटा सा एलर्जिक रिएक्शन होता है, कोई जानलेवा रिएक्शन नहीं हो सकता, सेफ है. सेकेंड, इन छोटा सा मतलब ऐसा इतना सा थोड़ा सा, राइट. सेकेंड टेस्ट इंट्राडर्मल टेस्ट हो सकते हैं, राइट. अब स्किन टेस्ट में क्या है, मल्टीपल जगह करते हैं, कई यार टचुक 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 टचुक, राइट, बहुत ज़्यादा सब भर देते हैं, कहाँ एलर्जी है, ओके इससे है, इससे है, इससे इससे कम है, इससे तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे फिर क्वांटिफाई किए जाती है. फिर एक इंट्राडर्मल टेस्ट होता है, ये तो स्किन स्क्रैच वाली हुए या पिक वाली हुए. इंट्राडर्मल में जो ज़्यादा ये सेंसिटिव टेस्ट होता है, इसमें प्रिकिंग से ज़्यादा किया जाता है. इसमें जो होते हैं, अगर वो प्रिकिंग वाला स्किन टेस्ट है, उसमें रिजल्ट समझ नहीं आती, ये है भी नहीं है, पता नहीं कभी गया कि नहीं गया, नो आइडिया. सो इंट्राडर्मल टेस्ट किया जाता है. इस टेस्ट में एलर्जन को एक सीरिंज से आपके स्किन के अंडर, स्किन के नीचे इंट्राडर्मल डाला जाएगा, राइट, और देखा जाएगा एलर्जी हो रही है कि नहीं हो रही. एलर्जन अलग अलग प्रकार के, वो मैंने ऊपर जो बताए वो सब. थर्ड टाइप है चैलेंज टेस्ट. चैलेंज टेस्ट में क्या होता है, डॉक्टर कई बार सस्पेक्ट करते हैं कि आपको इस खाने से या इस दवा से एलर्जी हो सकती है, तब आपको पेशेंट को बोला जाता है कि भाई ये दवाई या ये दवा या ये खाने की चीज़ आपको बहुत छोटे
छोटी क्वांटिटी में खानी है कि हमें पता चले इससे एलर्जी तो नहीं है, और उसको सुपरविजन करना पड़ता है आपके एलर्जी के डॉक्टर, आपके जो डॉक्टर है वो उसको सुपरवाइज करते हैं कि आप खुद अकेले ये ना करें। हॉस्पिटल में आपको खिलाया जाता है कि अगर आपको मान लो एलर्जिक रिएक्शन होगा भी तो आपको ठीक कर देंगे, राइट। सो ऐसे पता चलता है चैलेंज टेस्ट से। मान लो हमको लग रहा है किसी को पीनट से एलर्जी है तो उसको पीनट खिलाएंगे, लेकिन अस्पताल में, नॉट पिकनिक में नहीं, घर में नहीं, राइट। और चौथा टेस्ट है बहुत ज़रूरी, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ब्लड निकाला जाता है और ब्लड को एलर्जीज के लिए टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट ज़्यादा महंगा होता है, इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, और इसमें एलर्जेंस के साथ मिला के भी देखा जा सकता है एलर्जी के लिए, और IgE लेवल्स, इओसिनोफिल काउंट्स, ऐसे टेस्ट भी किए जा सकते हैं जिसमें इंडिकेशन मिले कि आपके अंदर एलर्जिक टेंडेंसी है या नहीं और कितनी हाई ग्रेड है। ये सारे टेस्ट होते हैं। एलर्जी के लिए कोई और कोई ख़तरनाक टेस्ट नहीं है। रिमेंबर, जब हम एक स्किन टेस्टिंग को फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ, मेडिकल हिस्ट्री के साथ कंबाइन करते हैं, एक डॉक्टर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जब ये सब चीज़ों को एक साथ, तब सबसे ज़्यादा रिलायबल हम इंटरफ्रेंस निकाल सकते, इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि ठीक है आपको इस चीज़ से एलर्जी है, आपको इससे बचना है। तो इसीलिए एक चीज़ काफ़ी नहीं है, डॉक्टर की हिस्ट्री, डॉक्टर का एग्जामिनेशन, टेस्टिंग, तीनों चीज़ें मिलके काम करती हैं, और आपका खुद का ऑब्जर्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह हुई बातचीत एलर्जी टेस्टिंग की ओवरऑल। अब हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि एक एक चीज़ जो एलर्जी के स्किन टेस्ट है उसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे, ओके।